यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आ गया स्नेक वगैरह ना, एड शेप से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। आफ्टर मिस पहले होता है या बिफोर मिस पहले होता है बताओ? और बिफोर मिस पहले, मेरे को इसके बाद में ऐड करना है कि इसके पहले? सांप को स्नेक के बाद में, तो किस पे क्लिक करूंगा मैं? आफ्टर पे आ गया क्या? स्नेक के बाद में। और इसको हम लोग एक ही आदमी खा सकता है जो कि है चाइना, चाइना वाले इसका सूप बना के पी लेते हैं सांप का। अच्छा अच्छा सूप बनाते हैं, तरह तरह का सूप, मरते भी नहीं है, भगवान जाने क्या अमृत भी क्या है हम लोग। अब यहाँ से आने का फिर देखो दिया है एड बुलेट। बुलेट जानते हो क्या होता है सत्यप्रकाश? जो भी लिखा देखो आ रहा है क्या? बुलेट पहले था क्या? नेक्स्ट ऑप्शन आता है राइट टू लेफ्ट। देखो ये अभी ऐसे घूम रहा है ना, इसका दिशा देखो घड़ी की दिशा में घूम रहा है क्या? ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसको तो बोले नहीं सर सर मैं घड़ी की उल्टा दिशा में घूमना है, तो लेफ्ट टू राइट कर दे लो। उल्टा दिशा में घूम रहा है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब पहले भी देखो घास को टिड्डा खा रहा था, अभी भी घास को कौन खा रहा है? टिड्डा ही खा रहा है, मात्र इसका आपका स्थान परिवर्तन हुआ है, सॉरी ये परिवर्तन हो गया आपका दिशा, बाकी सब कुछ सेम है। घास को पहले टिड्डा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है लेआउट, ये एक्टिवेट है क्या? ये यहाँ पे एक्टिवेट है, देखो लेआउट लिखा हुआ है ना ये। तो देखो टेक्स्ट पेन से हम लोग इस टेक्स्ट पेन ये जो दिख रहा है ना, इसको हटा सकते हैं, इसको ला सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? सत्यप्रकाश तुम मेहनती आदमी थे, मेहनत किए और उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन होगा तो एक कदम आगे जाओगे कि नहीं सत्यप्रकाश बताओ? जाओगे ना एक कदम आगे? अभी मान लो तुम बाबू हो तो बाद में सोना हो जाओगे। मान लो अभी तुम क्या होते अपने किसी पोस्ट पे हो, मान लो अभी तुम टीचर हो तो हेड मास्टर बनोगे ना, अच्छा काम किए, मेहनत किए, मन लगा के बच्चों को पढ़ाए एकदम, तो उसका तुम्हारा क्या हुआ? मैं खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन कर दिया, चलो वहाँ से सत्यप्रकाश तुम यहाँ के हेड मास्टर हो करके। फिर जैसे ही तुम हेड मास्टर बने एकदम सोने लगे, वैसे बैठे बैठे ऐसे एकदम रात टपक रहा है ऐसे सो गया ऐसे टप 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 टप, तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा? डिमोशन। देखो प्रमोशन करना क्या होता है, गिनो यहाँ पे छह गोले हैं क्या? जैसे ही डिमोशन किया एक गोला क्या हो गया? कम। और जैसे ही प्रमोशन किया एक गोला क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ तक कोई डाउट? डिमोशन से क्या होता है बताओ तो सत्यप्रकाश, कुछ प्रकाश डालो इस पे, क्या होता है डिमोशन से? हाँ डिमोशन से क्या होता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, बढ़ जाते प्रमोशन से क्या होता है? पांच के बाद ही ना, देखो यहाँ पे हुआ कितने हो गए हैं गिनो? पांच है ना, प्रमोट किया कितना हो गए? छह हो गए क्या? ठीक है, लेकिन इससे आगे जा पा रहा हूँ क्या? एक और मेरे को ऐड शेप ऐड करूंगा, डिमोशन में पांच तक कर सकता हूँ या चार तक, एक दो तीन, देखो कितना तक है, पांच से डिमोट हो पा रहा है क्या? पांच से ऊपर प्रमोट आपका होगा और वहीं तक होगा जहां तक आप शेप ऐड किए हो, उसके बाद उसमें प्रमोशन डिमोशन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका आता है लेआउट, यहाँ से आप इसके बाहरी आवरण को चेंज कर सकते हो, ये नहीं तो ये। बताओ सत्यप्रकाश कौन सा अच्छा लग रहा है? वही लगाऊंगा मैं जो तुम जिसमें हाँ बोल दो कि पहले वाला ही ठीक था, बोलो पहले वाला ठीक था, गुड। यहाँ से आ जाओ चेंज कलर, आओ तुम्हारे जीवन को रंगीन बनाते हैं, थोड़ा सा मौज वीडियो बनाते हैं टिकटॉक। तुम पहले मौज स्टार थे, मैं तुमको टिकटॉक दे दिया, तुम उत्पात मचा दिए पूरा, ये था वीडियो पोस्ट करने लगे, देखो रंगीन जीवन हो गया तुम्हारा ना एकदम चकमगाता। अब यहाँ से इसके स्टाइल को तुम चेंज कर सकते हो, देखो ये 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 पहले तुम क्या किए टिकटॉक वीडियो बनाना था तो क्या किए, किनारे का बाल छोटा छोटा करवाए थे, फिर एक दिन तुम हरा रंग लगवा लिए, ये लो और जीवन रंगीन हो गया तुम्हारा ज्यादा, और एक आदमी मेरे चपेटे में आया है तो पूरा ट्रिमर में चला दिया ये। यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें? रिसेट करना मतलब क्या होता है? पुराने पोजीशन पे ले आना, फोन एकदम नया कर देते हैं, रिसेट करते हैं नया हो जाता है ना, वैसे इस पे क्लिक करो, पूरा पुराने कंडीशन पे आ गया क्या जी। यहाँ तक कोई डाउट?
बन जाएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करता हूँ। हम आते हैं अब ग्राफ पे। ग्राफ का उपयोग हम लोग किसी भी चीज को निरूपित करने के लिए करते हैं कि बस एक बार आदमी देखा और हाँ समझ गया कि ये चीज कहना चाह रहा है। यहाँ पे मैं चार्ट पे जैसे ही क्लिक किया, देखो बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन आ गए। ठीक है, मैं नॉर्मल चार्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया मैं, ओके चार्ट क्रिएट हो के आ गया। मैं पहले इसको ईयर में बदल देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे साल लिखा है वाई ई ए आर, ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ 2020, यहाँ पे कर दिया 2020, 2021, दोनों को सेलेक्ट कर लो यहाँ से ऐसे और पकड़ के ले आओ नीचे। 22 और कितना का 2023, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मान लो 2023, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एच यू के एल ए शुक्ला। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मान लो विजय, और एक को हम लोग कर लेते हैं सत्य प्रकाश। तो तुम्हारा नाम आज से सत्य, योगी जी को जानते हो, योगी जी को, आदित्यनाथ योगी जी, योगी जी सीएम है ना अपने, जानता हूँ वो नाम चेंज करने में एक्सपर्ट है। तुम्हारा आज से नाम जाओ सत्य। तो यहाँ पे लिखा गया एस एच टी वाई ए सत्य, अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने देखो दिख गए ना। अब देखो 2020 में देखो सबसे तेज पढ़ने में कौन थे, यहाँ पे सबसे तेज लिखने, सबसे ज्यादा अमीर आदमी लेते चलते हैं। सबसे ज्यादा अमीर आदमी देखो कौन है यहाँ पे 2020 में, शुक्ला। फिर उसके बाद यहाँ पे 2021 में विजय, तुम दबा के मेहनत की, अब सबसे अमीर आदमी कौन हो गया देखो 2022 में सबसे अमीर फिर कौन हो गया, शुक्ला हो गया। ठीक है, तुम कभी हो गए लास्ट में 2023 सबसे अमीर कौन हो गया यहाँ पे, सत्य प्रकाश। मेहनत करोगे तो ही हो पाओगे। देखो ग्राफ देख के आप लोग एक बार में सारा चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। आप यहाँ से इसका टाइप चेंज करना चाहते हो कि नहीं सर, थोड़ा सा लाइन वाला आ जाए, देखो लाइन वाला करके ओके कर देता हूँ। देखो ओके, इसे जेड कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने वाले तो क्या किया मैं, लाइन में कन्वर्ट करके ओके कर दिया, सारा कुछ लाइन में कन्वर्ट हो गया। अभी भी पीला कलर शुक्ला, मैरून आपका विजय, और या अपना क्या है ब्लू कौन है, सत्य प्रकाश। देखो इसमें दिख भी रहा है कि क्या कि विजय तुम मेहनत करते गए, यहाँ पे आते आते इस जगह पे पहुँचे, फिर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक भी सामना करके नीचे आया, फिर मेहनत किया, और फिर तुम आगे देखो बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो ना। यहाँ पे देखो शुक्ला तुम भी ऐसे यहाँ पे थे, फिर थोड़ा सा कुछ परेशानी आए नीचे आए, लेकिन फिर मेहनत किया और देखो आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सत्य प्रकाश तुम तो कर रहा दिए यार, तुम तो सीधे ऊपर जा रहे हैं, पहले तो तुम कुछ कर भी नहीं किए एक दो महीना, और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए, बाजी मार दिए तुम। तो इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। ये भी देख के हम लोग समझ गए ना कि किसका ग्राफ कहाँ तक गया है। आप और चार्ट टाइप चेंज करना चाहते थे, यहाँ पे पाई वगैरह और भी कुछ दिया, देखो पाई बार जैसा भी चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। ये देखो पार का अपना गया क्या, तो देखो शुक्ला के यहाँ पे मात्र शुक्ला का ही दिख रहा है, विजय या सत्य प्रकाश दिख रहे हैं क्या, अभी मात्र शुक्ला का ही डिटेल आ रहा है कि शुक्ला का सबसे ज्यादा कमाई किस मंथ में हुआ है। ठीक है, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, उसको मैं डिलीट करता हूँ, देखते हैं विजय का आता है कि नहीं। ओह ये तो पूरा डिलीट हो गया है, सत्य किसका आ गया, सत्य प्रकाश का। और इसके बाद इसे जेड कर लेता हूँ फिर से, ये एक बार और जेड, देखो विजय तुम्हारा भी आ गया क्या सबका, लेकिन अब अलग अलग करके दिया है ना, एक साथ दे पाया है क्या, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक, इसके बाद फिर चाहते हैं हम लोग, नहीं सर इसका हम लोग अपने टेम्पलेट के नाम से सेव करना चाहते हैं, तो इसे अपने टेम्पलेट के नाम से, देखो यहाँ पे इतने नाम है ना, मैं इसे विजय नाम से सेव कर लेता हूँ। तो देखो विजय नाम से यहाँ पे एक और नाम क्या हो जाएगा अपना, ऐड हो जाएगा ये टेम्पलेट। यहाँ तक कोई डाउट, अब आते हैं स्विच कॉलम, एक्टिवेट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या नहीं किए बताओ, डाटा को सेलेक्ट नहीं किए। अब आते हैं सेलेक्ट डाटा, क्लिक किया सेलेक्ट डाटा पे, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये आ गया क्या, डाटा पूरा क्या हो गया सेलेक्ट, का होता है चुनना, पूरे डाटा क्या हो गया चुना गए, अब एक्टिवेट हो गया क्या। स्विच करना मतलब जानते हो क्या होता है, जगह बदलना, क्या होता है जगह बदलना। तो चलो हम लोग जगह क्या करते हैं, बदलते चलते हैं। देखो यहाँ से अब मैं स्विच करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे सीरीज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिख रहा है ना, ये रो में है कि कॉलम में है, ये कॉलम में है। देखो ऊपर से नीचे क्या आता है कॉलम, रो क्या जाता है दाएं से बाएं। अब देखो सीरीज आ जाता है रो पे, उठ के रो पे आ गया क्या, और कैटेगरी किस में आ गया कॉलम में। स्विच मतलब क्या होता है बदलना, तो देखो मैं रो को कॉलम में बदल दिया और कॉलम किस में बदल दिया रो में। कोई डाउट, ध्यान दो यहाँ पे कितने, एक दो तीन, कितने हैं, तीन है ना,
अब मैंने तो ऐसे स्विच किया, अब गिनो चार कितने हो गए, चार। डाटा में कोई फर्क नहीं आया, बस रो कॉलम में चला गया और कॉलम किस में आ गया, रो पे आ गया। मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। सेलेक्ट डाटा का उपयोग हम लोग डाटा को चुनने के लिए करते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट डाटा पर क्लिक किया, देखो डाटा चुना गया क्या, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसे करके और क्या कर दो, यहाँ से आप डिलीट दबा दो। दबा कैसे थे प्रकाश, बोलो धोखेबाज सर, आप धोखा दे दिए, दगा दे दिए, नहीं तो गाना गाओ नहीं एक ठीक कौन सा यार, अरे वो वाला गाना सुने हो कि नहीं यार, मोला भुला दे मोहनी कैसे करके गाना सुने ना, गजब का गाना था, गजब का। हम लोग क्या केजरीवाल गाता था, एक जन था हॉस्टल का आदमी, उसको हम लोग केजरीवाल बोलते थे, तो वो ये वाला गाना गाता था, बढ़िया गाना गाता था, अच्छा लगा उसका गाना, मेरा ये सही गाना गाता है करके गाया करके। यहाँ का जो पूरा डाटा सेलेक्ट करने को बोलता है, मैं अभी तक चुन पा रहा हूँ क्या, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, तभी तो चुन पाएंगे। देखो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया और यहाँ से आप लोग डाटा को फ्लिक कर सकते हो, इस डाटा को जब दिमाग खराब हो तो एकदम इसे आ जाकर पूरा उड़ा दो। स्टार्ट रिमूव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से रिमूव सब खत्म। अब देखते हैं सेलेक्ट होता है कि कैंसिल कर देता हूँ। कैसे कर सकते प्रकाश, चमत्कार तो नहीं हो रहा है। सेलेक्ट डाटा से पूरा डाटा से चुना जाता है, जब ऐसा हो ना तो कुछ मत किया करो, जेड 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 कर दिया करो और संतुष्ट हो जाएगा। आ गया, फिर से डबल क्लिक किया और यहाँ पे आने का मैं क्या किया, सेलेक्ट डाटा क्लिक किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करता हूँ आ गया क्या पूरे के पूरे। अब देखो चुनता हूँ, ये देखो चुना रहे हैं क्या, और यहाँ पे चुन के क्या कर दिया, मैं ओके कर दूंगा। तो जितने को चुनूंगा, अभी देखो सीरीज को चुना हूँ क्या, सीरीज दिखेंगे क्या, सीरीज हट चुके होंगे, यहाँ से आते हैं हम लोग। ओके सीरीज हटे हैं क्या, कैटेगरी हाँ, लेकिन यहाँ से सीरीज क्या हो रहे हैं, दिख ही रहे हैं। देखो सीरीज अभी भी क्या हो रहे हैं, दिख ही रहे हैं। फिर सेलेक्ट डाटा करूँ क्या मैं, अभी मैं क्या करता हूँ, मात्र दो ही डाटा सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से कैटेगरी एक और मात्र सीरीज वन, कौन सा सेलेक्ट किया हूँ, सीरीज वन। देखो मात्र एक ही सीरीज दिख रहा है, बाकी दिख रहे हैं क्या, बाकी को चुना था क्या, नहीं बाकी को भी चुनूंगा तो बाकी भी आ जाएंगे। उनको चुनने के लिए किस पे जाते हैं, सेलेक्ट डाटा पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या करो, यहाँ से आ जाओ और सेलेक्ट डाटा फिर से क्लिक कर लो और यहाँ से चुनते चलो। ऐसे ब्लड प्रेशर हाई होना सुने हो, कभी कभी ब्लड का प्रेशर ऐसा आता है कि आपका बहुत तेज एकदम धक 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 करने लगता है, आदमी लोग को लगभग आपका सब मार देता है, खत्म वहीं पे टाटा बाय बाय हो जाता है पूरा। रिमूव करते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल इसे रिजेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट पर फिर से क्या करता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ, ये हो गया। इस पर डबल क्लिक किया और आगे फिर सेलेक्ट डाटा। अब यहाँ से हम लोग डाटा क्या कर सकते हैं, अपने चुन सकते हैं जैसे भी हम लोग चुनना चाहेंगे। एक्चुअली ये काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो जो था ना वो भरा हुआ था, तो इसका एक तरीका है सेलेक्ट डाटा का, किसी फिर से क्लिक कर लो, देखो आ गया क्या। अब आप देखो इसको बढ़ाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से हमारे चले पूरे क्या करो, सेलेक्ट करके ओके कर। अब पूरे के पूरे डाटा अपने क्या हो गया, इस पर आ गए। एडिट करना मतलब क्या होता है, बदलाव करना। आप अपने डाटा पे बदलाव करना चाहते हो तो एडिट डाटा पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं सर ये चार की जगह क्या आना चाहिए, पाँच। जैसे मैं यहाँ पे पाँच करूँगा ना, देखोगे ये लंबा होता है कि नहीं ना, मैं पाँच कर दिया, अभी तक हुआ क्या, नहीं हुआ है। अब देखो होता है, हो गया क्या जी, ठीक है। तो आप इस ग्राफ में क्या कर सकते हो, इसमें बदलाव ला सकते हो, किसी का आप कमाई दिखा सकते हो, कम आप इसमें भी दिखा सकते हो, मैं मान लूँ दुकान है तो हाँ इस साल एडमिशन ज़्यादा हुए, इस साल एडमिशन कम हुए। इसका मेन उपयोग एनालिसिस करने के लिए करते हैं, एनालिसिस जानते हो, एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, एनालिसिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं। एनालिसिस करना मतलब होता है चीज़ों को वो करना, मॉनिटर करना। मॉनिटर करना मतलब क्या होता है, देखो दोनों अंग्रेजी वर्ड है, मॉनिटर एनालिसिस मॉनिटर वो करना, मॉनिटर करना मतलब उसका देख रेख करना, एक तरह कह सकते हो। एनालिसिस करना मतलब उसका देख रेख करना, उसका गणना करना, एक तरह से कह सकते हो कि हाँ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ इस साल कम कमाई हुआ, इस साल ज़्यादा कमाई हुआ, फिर इस साल कम कमाई हो गया, अच्छा इस कारण से कम कमाई हुआ, तो सबको क्या करेंगे हम लोग हटाते चलेंगे, तो हाँ ज़्यादा कमाई अपना क्या होगा हो जाएगा, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। एडिट डाटा के बाद आप आया था क्विक टेबल लेआउट, आप यहाँ से इसके लेआउट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कहीं चार्ट लिखा हुआ दिख रहा है क्या, मेरे को तो ये भी नहीं पता चल रहा कि टेबल क्या चीज़ का है, टेबल का कुछ नाम लिखा हुआ है क्या, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो अब आगे का चार्ट का टाइटल मैं यहाँ पे कर दूंगा सेल, तो हाँ ये पता चले कि हाँ ये तो सर सर सेल का बना है, मतलब कितना बिक्री बांटा हुआ है करके, कितना पैसा कमाया है, कितना तिजोरी भरा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सेल का, ये लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो पता चलिए कि हाँ इतना इतना क्या हो गया, सेल हो गया। और भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, देखो ये देखो डिज़ाइन चेंज हो गया,
और भी बहुत सारे दिए गए आपको, जो मन को भा रहा है वो आप करा सकते हो। देखो ऐसा कुछ कोई डाउट यहाँ तक बन जाएगा। फिर आता है देखो डिज़ाइन, इसका डिज़ाइनिंग चेंज कर सकता है जैसा भी करना है। देखो ऐसा ऐसा, जैसे भी कोई मन को नहीं भा रहा है तो फिर ये लो। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब इसे आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइपरलिंक। तो मैं बोलता हूँ कि क्या करो, इस हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, चीज़ों को जोड़ना। मैं बोलता हूँ क्या करो सत्य प्रकाश, इसमें वीडियो चलाओ अभी। लेकिन लिखे वीडियो चल रहा है क्या? कैसे किया जाए? लेकिन सामने वाला बोला कि इसमें वीडियो चलाओ करके, ये वीडियो चला पाएगा क्या? वर्ड कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि वीडियो तो MP4 होता है ना, वो तो किसी मीडिया प्लेयर से चलेगा और ये तो मीडिया प्लेयर चलाता नहीं है। तब हम लोग हाइपर लिंक का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? किसी वीडियो का इस पर हम लोग लिंक दे देंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आया, अब वीडियो भी किसी लोकेशन पे सेव होगा कि नहीं होगा ना, आपको लोकेशन पता करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे पता है मैं कहाँ पे सेव किया, तो मैं डायरेक्ट उसी लोकेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद दिस पीसी पे आने के बाद ये मैं जानता हूँ लोकल ऑफिस वर्क यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद देखो इस पर सेव करके रखूँगा आपका। देखो तो कहीं दिख रहा है क्या वीडियो ऑडियो ऐसा कुछ सेटअप नहीं ना? तो ना यार मैं कहाँ पे एक फोल्डर है मैं सब जल्दी रहता हूँ यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ, इसके अंदर एक वीडियो है कवर टू टेबल, यहाँ पर आके क्या करें। वीडियो का लिंक तो आ गया, लेकिन मैं तो बोला था वीडियो चलेगा करके, वीडियो चला क्या? नहीं। चलो फिर से लिंक के पास में आया, अभी इस पर क्लिक किया, वीडियो चला क्या? नहीं। अब देखो कंट्रोल दबाता हूँ मैं, अंगूठा बन रहा है क्या? जी। बन रहा है ना? जी। अब देखो इसको क्लिक किया, माउस का बटन पूछता है क्या आप वीडियो को चलाना चाहते हो या अनसेफ हो सकता है। मैं बोला अरे चलाओ क्या दिक्कत है, बोलता है चलाना चाहते हो, बोला हाँ चला दो। देखो यहाँ पे आ गया, आज हम पढ़ेंगे आपका इसके बारे में कवर पेज। तो आपने कवर पेज के बारे में चल गया क्या वीडियो कवर। इसके अलावा आप यहाँ कोई फोटो का भी लिंक दे सकते हो। चलो मैं फोटो का भी लिंक देता हूँ, लेकिन आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए ना कहाँ पे है करके। मैं फिर से हाइपर लिंक पे आया, हाइपर लिंक पे आने के बाद आपके मैं क्या आ गया यहाँ पे आ गया ब्राउज पे, और यहाँ से मैं आ गया डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद किसी भी फोटो को आप लोग चुन सकते हो। मैं यहाँ पे ये करता हूँ DSC ओके ओके कर दिया, फोटो आ गया क्या? फोटो खोलने के लिए बताओ सत्य प्रकाश क्या दबाऊँगा? ये खुल रहा है क्या फोटो? क्या दबाऊँगा? दबा के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बटन प्रेस होगा? आप दोनों को पता है ना? जी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 गुड गुड गुड, उसी छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, कंट्रोल प्रेस करो, बस बस इस पे क्लिक करोगे फिर यस पे। हाँ मैं देखना चाहता हूँ सर, जैसा भी फोटो हो मैं देख लूँगा, मेरा आत्मा सह लेगा। अरे वाह अच्छा फोटो है कि नहीं बताओ? वही सतरंगा वाला है, खराब बोलते तो दो नंबर भी काटता तुम्हारे वहाँ फिर। इसको यहाँ से क्या करता हूँ मैं क्लोज कर देता हूँ जी। तो देखो आप लोग दे दिए क्या पूरा फोटो का लिंक वगैरह, वीडियो का आ गया ना, आप इसी तरह और भी बहुत सारा लिंक वगैरह दे सकते हो। तो हाइपर लिंक का उपयोग बस क्या होता है, फाइलों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? हाइपर लिंक का। अब आते हैं बुक मार्क, इसका उपयोग हम लोग कुछ नोट्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं। हम लोग मान लो कुछ चीज़ रीड कर रहे हैं ना, उसमें अब मैं एक दिन में मान लो एक पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, उसमें 1000 पेज है, एक दिन में पढ़ पाऊंगा क्या? नहीं। मान लो मैं 200 पेज तक पढ़ा फिर थक गया, तो अगले दिन फिर उसके आगे से पढ़ूंगा ना जी। तो उस टाइप के कंडीशन में हम लोग बुक मार्क का उपयोग करते हैं। वहाँ पर उसको बुक मार्क में क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब इससे आगे पढ़ना है। तो उसका नोट्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाओ बुक मार्क पे, और आप लोग चाहते हो बनाना तो बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ शुक्ला नाम से, SHUKLA शुक्ला नाम से क्या किया मैं बुक मार्क बना दिया, ये शुक्ला नाम से इसे क्या कर दिया मैट पे क्लिक कर दिया अपना बुक मार्क। यहाँ पे देखो शुक्ला नाम से बन गया। आप चाहते हो सर एक विजय नाम से भी बना दीजिए, तो आप देखो विजय नाम से भी क्या हो जाएगा बुक मार्क यहाँ पे हो जाएगा, शुक्ला ऐड हुआ, फिर देखो अब ये विजय ऐसे करके, फिर देखिए हाँ देखो शुक्ला विजय बन गया क्या? दो हम लोग चाहते हैं सत्य प्रकाश नाम से हो जाए, तो ऐसे SATYA नाम से भी आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को बन जाएगा? बुक मार्क का उपयोग हम लोग छोटा नोट बनाने के लिए करते हैं, ताकि उसको बाद में याद रख सके, हमको वो चीज़ याद दिलाता रहे। आप लोग गूगल क्रोम में भी देता है बुक मार्क, अगर आप लोग ध्यान दिए होगे तो दिया रहता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो अभी दो ही चीज़ दिख रहा है, एक मैजिक माइक्रो वेब सोल्यूशन और एक न्यू टैब, बाकी इधर कुछ दिख रहा है क्या? अब देखो मैं बुक मार्क बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ खोलता हूँ वेबसाइट जिसका नाम है LoreXM। मैं इस वेबसाइट को ओपन किया, और इस वेबसाइट को ओपन होने का हम लोग वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट। मेरा
साइड अपना ओपन हो गया। यहाँ पे आने का मैं इस पर क्या किया, क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड टू बुकमार्क का, जो कि अभी दो मिनट में कुछ दिखने वाला है। बहुत यहाँ पे आप जैसे ही आगे देखो, आप यहाँ पे आने वाला आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, बुकमार्क दिख रहा है क्या जी? यहाँ पे आगे दिख रहा है बुकमार्क, जिस टैब पे क्लिक कर दो। लॉरेप्शम नाम से दिख रहा है ये। अब मैं फिर से एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। देखो पहले यहाँ पे था क्या लॉरेप्शम, यहाँ से दो थे ना, एक और चीज़ क्या हो गया, ऐड हो गया ना। मैं इस तरह का ताकि इसको जल्दी से क्या करूँ, प्राप्त कर सकूँ या खोज सकूँ, तो एक छोटा नोट बना के रख लिया कि नहीं। तो बुकमार्क का उपयोग इसीलिए हम करते हैं। यहाँ तक मैं कोई भी डाउट मुझसे भेज तक आप लोग पूछ सकते हो।